हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्निका क्रिएटिव आइडियाज़। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तुलसी के बारे में। वैसे तो तुलसी की कई वैरायटियाँ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में दो तरह की तुलसी पाई जाती हैं। पहली राम तुलसी है और दूसरी श्याम तुलसी है। सभी प्रकार की तुलसी को घर में लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन श्याम तुलसी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसे घर में लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि राम और श्याम तुलसी की पहचान किस प्रकार से की जाए। राम तुलसी बिल्कुल ग्रीन कलर की होती है, जबकि श्याम तुलसी यानी कि कृष्ण तुलसी पर्पल कलर की होती है। श्याम तुलसी का प्लांट काफ़ी खुशबूदार होता है। इसकी पत्तियों को जब आप खाएंगे तो आपको एकदम तीखा सा लगेगा, जैसे कि आपने कोई काले मिर्च या लौंग खा ली हो। तो काली तुलसी का फ्लेवर्स ज़्यादा होता है, जबकि राम तुलसी में फ्लेवर्स और स्मेल कम होती है। अब हम बात करेंगे कि हमें किस टाइम पर कौन सी तुलसी यूज करनी चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर एक पौधे और हर एक खाने वाली चीज़ों की अपनी एक तासीर होती है। उनकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो ठंडी तासीर के हैं या गर्म तासीर के। तो उसी तरह से तुलसी की भी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ है, अपना एक अलग तासीर है। राम तुलसी, जिसको हम सफ़ेद तुलसी भी कहते हैं, उसे ठंडी तासीर का पौधा माना जाता है, जबकि कृष्ण तुलसी को गर्म तासीर का पौधा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे आपको क्या फ़ायदा? अगर आप गर्मियों के मौसम में तुलसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको राम तुलसी का यूज़ करना चाहिए, लेकिन जब आपको सर्दियों के टाइम में चाय या काढ़ा बनाना हो तो आप कृष्ण तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण तुलसी की तासीर गर्म होती है। तो इस तरह से आप दोनों ही तुलसियों का इस्तेमाल अपने घरों में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते होंगे कि हमें अपने घर में कौन सी तुलसी लानी चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप किसी भी तुलसी को घर में लाइए, वो अच्छा ही रहेगा। अगर हो सके तो आप दोनों ही तुलसी घर में लाइए। जितनी ज़्यादा आप तुलसी के पौधे घर के आसपास लगा पाएँ उतना ही अच्छा होगा। लेकिन किसी एक तुलसी को ही आप घर में रखना चाहते हैं तो आप कृष्ण तुलसी को ही घर में रखें, क्योंकि कृष्ण तुलसी के पत्ते ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाले व ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। उसका स्मेल भी स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर आप गर्मियों में भी इसका यूज़ करना चाहते हैं तो इसके चार पत्तों की जगह एक पत्तों का ही इस्तेमाल काफ़ी होगा। सर्दियों में आप इसके ज़्यादा पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी का पौधा आपको मच्छरों से भी बचाता है, तो अगर मच्छरों से आपको बचना है तो कृष्ण तुलसी ज़रूर घर में लगाइए, क्योंकि इसका स्मेल ज़्यादा तेज होता है, जिसके कारण कृष्ण तुलसी आपको मच्छरों से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तुलसी एक होली प्लांट है। हिंदू धर्म में तुलसी को सभी देवताओं का निवास स्थान बताया गया है, इसलिए हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तुलसी के पौधे के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा का चुनाव करना सही होगा। फ्रेंड्स, घर में तुलसी के पौधे को लगाने से घर का वास्तु दोष व निगेटिव एनर्जी दोनों ही दूर हो जाते हैं। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं, हालांकि कार्तिक माह इसके लिए सर्वोत्तम माना गया है। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के द्वारा बताना ना भूलें, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।